हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों का कहना था कि सर कुछ वीडियो बनाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, और अभी जो प्लेसमेंट सेशन चल रहा है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमारा इतना बड़ा सिलेबस है, करीबन 40 सब्जेक्ट है, 35 सब्जेक्ट, वो सब पढ़ना तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, लेकिन ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं और प्रोबेबली पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में और साथ में उनके आंसर्स के बारे में भी। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर पढ़ दिया, क्योंकि आंसर्स देना, लेकिन आपको इंटरव्यू में क्या होता है उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। क्या आप ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो या उसका क्या मतलब क्या है। सो आप होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके इंटरव्यूज़ के अंदर, बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केवेंजिंग एंड सुपर चार्जिंग। सो स्केवेंजिंग जो होता है सभी लोग जानते होंगे, जो टू स्ट्रोक होते हैं उसमें अनबर्न पार्टिकल, जो जो बर्न गैसेस हैं। स्केवेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फ्लशिंग आउट बर्न गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर टू इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश एयर। मतलब जो बर्न गैसेज जो हैं उसको सिस्टम से बाहर, सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए हम लोग एक नई गैस जो हमारी फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्केवेंजिंग, जिसके थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व से जो बर्न गैसेस है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि टू स्ट्रोक की इसके अंदर काफ़ी सारा जो फ्रेश एयर है उसमें फ्रेश एयर के साथ में कुछ फ्यूल भी आएगा, तो फ्यूल भी बाहर हो जाता है। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। टू स्ट्रोक इंजन में बेसिकली स्केवेंजिंग होती है, फोर स्ट्रोक में ये नहीं होती है। और व्हाट इज सुपर चार्जिंग, तो सुपर चार्जिंग क्या है कि जब आप लोग इनलेट जो सक्शन होता है उसके अंदर बेसिकली आप लोग एटमोस्फेरिक एयर भेजते हैं सक्शन के अंदर, लेकिन हम क्या करें अगर उस एटमोस्फेरिक एयर को प्रेशराइज करके कंप्रेस करके पहुँचाएँ उसको, कंप्रेसिंग द एटमोस्फेरिक एयर, तो फिर अगर उसको पहुँचाएँ तो उसको हम बोलते हैं सुपर चार्जिंग, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो जनरेट होगा और कंबशन आपको में हेल्प आपको मिलेगी। तो बेसिकली जो बड़े इंजन होते हैं गाड़ियों के उनके अंदर हम लोग सुपर चार्जिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नेम्स गिवन टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर किसी प्रोसेस कोई कॉन्स्टेंट प्रोसेस कोई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है किसी प्रोसेस का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल, कॉन्स्टेंट प्रेशर को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक, देन कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी है तो फ्री एक्सपांसन हो रहा है, कॉन्स्टेंट अगर एंथैल्पी है तो थ्रोटलिंग प्रोसेस जो कि आपका रेफ्रिजरेशन में होती है, और कॉन्स्टेंट एंट्रोपी है तो एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक मतलब जो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज जीरो। एंट्रोपी चेंज जो डेल्टा एस है ये पूछ रहा है कि क्यों जीरो होती है किसके अंदर, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज जीरो। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब जो बेसिकली आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल टी वो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर डेल्टा टी अगर जीरो है, फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो बिकॉज देर इज नो हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अंदर कोई ट्रांसफर नहीं होता, इसी कारण जो इसका ये एंट्रोपी चेंज होता है रिवर्सिबल के अंदर वो क्या होता है जीरो। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आर फंक्शंस ऑफ वन सिंगल पैरामीटर। एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है वो फंक्शन एक सिंगल पैरामीटर के, उसका नाम क्या तो है टेम्परेचर, दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर वेरी होने पर दोनों वेरी होंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है हीटिंग और कूलिंग का, इसके इसमें क्या रिलेशनशिप है, कई बार पूछा जाता है। तो सीओपी ऑफ हीटिंग जो है वो होता है क्या होता है, वन प्लस सीओपी ऑफ कूलिंग, तो एक ज़्यादा होता है। क्या बोला, सीओपी ऑफ हीटिंग इज वन यूनिटी मोर देन सीओपी ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, तो इसके अंदर वर्क डन होता है जीरो। नाउ व्हाट इज पिटिंग, हाउ इट इज कॉज्ड। पिटिंग क्या होता है कि कोरोजन जब लग जाता है, जो मतलब जंग लग जाना, तो नॉन यूनिफॉर्म कोरोजन ओवर द इंटायर मेटल सरफेस, यूनिफॉर्मली कोरोजन ना लगते हुए नॉन यूनिफॉर्म जब कोरोजन लगता है किसी मेटल के सरफेस पे, बट ओक्योरिंग ओनली इन स्मॉल पिट्स इज कॉल्ड पिटिंग। लेकिन एक छोटे छोटे से कोने में कुछ स्मॉल देखते हैं आप, कई बार छोटे छोटे से कोने में जंग लग जाता है, और ये क्यों लगता है, इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटल। जब मेटल्स के अंदर पूरी यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होती है
तो कई बार कुछ उसके एरियाज पे जंग लग जाता है, उसी को हम लोग पिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट अ सेफ्टी वाल्व टू स्टिक टू इट्स सीट। सेफ्टी वाल्व हम लोग क्यों लगाते हैं? सेफ्टी वाल्व हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मान लो कि प्रेशर सडनली प्रेशर राइज हो तो सिलेंडर आपका फटे नहीं, और या आपका जो भी बॉयलर है वो फटे नहीं, और आपको वो जो जो एक्सिस गैस है उसको क्या कर दें, एटमोसफेयर में भेज दें, रिमूव कर दें, इससे प्रेशर थोड़ा सा वापस से लेवल में आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका सेफ्टी वाल्व चिपक जाता है और निकल ही नहीं पाता, उसके कारण सिलेंडर्स ब्रस्ट हो जाते हैं। तो सेफ्टी वाल्व शुड बी ब्लोन ऑफ पेरोडिकली सो देट नो क्रोजन कैन टेक प्लेस ऑन वाल्व एंड वाल्व सीट। तो ऐसा उसको लगाएं हमेशा पेरोडिकली कि उसके अंदर जंग ना लगे, कोरोजन ना लगे। अगर कोरोजन लग गया उसकी सीट के अंदर तो क्या होगा कि सेफ्टी वाल्व ओपन ही नहीं होगा और देन स्टिक हो जाएगा, और उसके बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लार्ज बॉयलर्स आर वाटर ट्यूब बॉयलर। क्यों मेनली जो बड़े बॉयलर्स होते हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं? वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब क्या होता है कि जो भी आपका वाटर फ्लो करेगा इनसाइड दीवर बॉयलर ट्यूब्स, तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स जो होते हैं रेज स्टीम फास्ट बिकॉज ऑफ लार्ज हीट ट्रांसफर एरिया। अब वाटर है तो उसका हीट ट्रांसफर जो भी एरिया है सरफेस एरिया वो क्या रहेगा, ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्टीम। तो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी क्या होती है इसमें, बढ़ जाती है और पॉजिटिव वाटर सर्कुलेशन होता है, तो उसके कारण जो टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन आपको चाहिए वो जल्दी मिल जाता है। और फर्दर सिंगल ट्यूब फेल्योर डज नॉट लीड टू कैटास्ट्रोफिक फेल्योर। और प्लस अगर कोई सिंगल ट्यूब आपकी अगर फेल भी हो गई तो उसके कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा और उसको मैनेज किया जा सकता है। इसी कारण हम लोग जितने बड़े बॉयलर्स होते हैं उनको वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं। इन सम इंजन सिलेंडर्स ग्लिसरीन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वाटर फॉर कूलिंग ऑफ इंजन, व्हाई इट इज़। कई सारे इंजन्स में हम लोग ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं वाटर को रिप्लेस करके, ऐसा क्यों? इंजन कूलिंग कहाँ करते हैं हम लोग? ये आपका सिलेंडर है, यहाँ मान लो आपका इनलेट वाल आउटलेट वाल, यहाँ आपका कंबशन हो रहा है, तो कंबशन के कारण क्या होता है टेम्परेचर यहाँ का क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं रेडिएटर के अंदर पानी डालते हैं, यहाँ आता है और वो इसकी हीट लेकर वापस से रेडिएटर में पहुँच जाता है। तो हम यहाँ पर कई बार वाटर की जगह ग्लिसरीन यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्लिसरीन हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 90°C। ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है 90°, जो कि पानी से कुछ कम है। उसके कारण इसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, दस वेट ऑफ कूलेंट गेट्स रिड्यूस्ड, और कूलेंट का वेट भी कम हो जाएगा, एंड स्मॉलर रेडिएटर कैन बी यूज्ड। और हम छोटा रेडिएटर यूज़ करके भी वही कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो जिसके लिए हमको वाटर के लिए बड़ा यूज़ करना पड़ रहा था। वाई कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ मोर इन टू स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन देन फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं हम लोग वो टू स्ट्रोक में ज़्यादा क्यों लगता है एज़ कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक में, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन बड़ा होता है फिर भी हम लोग जो ऑयल होता है वो टू स्ट्रोक में ज़्यादा लगता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो होता क्या है कि दो स्ट्रोक इंजन के अंदर जो ऑयल होता है वो हम लोग पेट्रोल के साथ भी मिक्स करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब मोपेड या छोटी गाड़ियाँ होती थी, कई बार आप लोग बोलते हो पेट्रोल पंप पे कि इसमें थोड़ा ऑयल भी डाल दो, 10 रुपये का ऑयल डाल दे, ऑयल के पाउच आते हैं, तो हम लोग पेट्रोल के साथ में तो ऑयल ऐड करते ही हैं। और उसके कारण जो एग्जॉस्ट गैसेस वाल्व के में जो स्क्वेंजिंग के साथ में काफ़ी सारा ऑयल भी चला जाता है, जबकि जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन है इसमें ऐसा कुछ भी वेस्ट नहीं होता है क्योंकि हम इसमें आपका जो फ्यूल है उसके साथ में कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्स पावर ऑफ आईसी इंजन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आरएसी रेटिंग एसआई रेटिंग और डिन रेटिंग। अब जो हॉर्स पावर होता है आपका इंजन का उसको हम की बेसिकली तीन रेटिंग होती है, अलग अलग कंट्रीज उसको देती है। तो कौन सी कंट्री किस रेटिंग को देती है? तो आरएसी रेटिंग जो होती है वो बेसिकली यूके के अंदर जो है वो चलता है यूनाइटेड किंगडम। देन जो एसआई सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की रेटिंग है वो देता है आपका यूएसए, और जो डिन रेटिंग है ये आपका देता है जर्मनी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री क्या रेटिंग देती है। अगला क्वेश्चन जो आपको बनता है वाई पिस्टन्स आर यूजुअली डिस्ड एट टॉप, कि जो पिस्टन होती है उस बेसिकली जो आपका पिस्टन है उसमें से आप देखते हैं अपर पोर्शन होलो पोर्शन इतना सा होता है, तो जनरली क्यों रखा जाता है? बाकी पूरा ये सॉलिड रहता है या रिंग लगी रहती है, लेकिन अपर पोर्शन में कप टाइप का डिस्क टाइप का कुछ ऐसा रहता है, ऐसा क्यों रहता है? तो बेसिकली तीन कारण है इसके बड़े से, प्रोवाइड ग्रेटर स्पेस फॉर कंबशन। अगर ये पूरा फ्लैट होगा सपोज ऐसा है तो यहाँ उसको कंबशन के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा या बहुत कम स्पेस मिलेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि अगर अच्छा स्पेस अच्छा मिलेगा तो अच्छा कंबशन होगा, तो ये कारण हो गया। दूसरा इंक्रीज सरफेस फॉर फ्लू गैसेस टू एक्ट अपॉन, कि सरफेस बढ़ाने के लिए सरफेस इससे क्या होगा बढ़ जाएगा। मान लो एक तो फ्लैट है ये है तो ये तो कुछ इसका जो सरफेस एरिया क्या हो गया बढ़ गया, जो कि फ्लू गैसेस उसको इजली नीचे धकेल पाएगी। और तीसरा जो है क्या है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस जनरेट होगी ड्यू टू कंबशन वो बेटरली क्या हो पाएगी
डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। इसी कारण हम लोग जनरली पिस्टन का जो अपर शेप रहते हैं वो डिस्ट रखते हैं टॉप पे। अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट्स इन कूलिंग सिस्टम ऑफ एन इंजन। कूलिंग सिस्टम जो होता है उसमें थर्मोस्टेट का क्या काम है? तो थर्मोस्टेट बेसिकली इंश्योर करता है कि ऑप्टिमम कूलिंग हो। ऑप्टिमम मतलब जितनी कूलिंग चाहिए उतनी ही कूलिंग हो जाए। अगर ज़्यादा कूलिंग होगी तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी आपकी इंजन की क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या करती है, एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर पर हमारे फ्लूड को, कूलिंग सिस्टम को बनाए रखती है। इसी कारण थर्मोस्टेट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक इंजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन इज मोर देन दैट ऑफ गैस टर्बाइन प्लांट। गैस टर्बाइन प्लांट से आईसी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी क्यों होती है? तो आईसी इंजन के जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है अटेंड, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है गैस टर्बाइन से। क्योंकि गैस टर्बाइन बेसिकली स्टीम रन करता है, जबकि यहाँ पर आपका कंबशन जो फ्यूल होता है वो रन करता है। अगला क्वेश्चन जो आपको बनता है, लाइक क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये जो टेम्परेचर्स हैं ये सब चीज़ें किस पे, मास पे डिपेंड नहीं करती, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो बेसिकली टू टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज जो मास पे डिपेंड नहीं करती। लाइक ये मान लो आपका इस जो पूरा कंटेनर का 1 bar प्रेशर है, अगर मैं इसको आधा काट भी देता हूँ तो भी जब इसका वॉल्यूम कम हो गया लेकिन अभी भी प्रेशर इसका क्या है, 1 bar ही है, तो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमको क्या बोलेंगे इसको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि वॉल्यूम क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मास पर डिपेंड करती है। तो हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन कौन सी एक्सटेंसिव है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर SCM पर सेकेंड इज कॉल्ड इमिसिव पावर। ये सीधा आपको याद रखने का क्वेश्चन है। उसके बाद, वाटर कंटेनिंग हैवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम इज नोन एज हैवी वाटर। ओके, व्हाट इज हैवी वाटर एंड व्हाट इज इट यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। हैवी वाटर क्या होता है, हम D2O बोलते हैं इसको, D2O, और इसका पावर प्लांट में क्या यूज होता है? तो हैवी वाटर बेसिकली एक तरह का मॉडरेटर का काम करता है, जो कि जो चेन रिएक्शन होती है जो न्यूक्लियर यूरेनियम के, आप जानते हैं यूरेनियम काफ़ी क्रियाशील पदार्थ है, अगर उसको कंट्रोल्ड वे में काम नहीं लिया जाएगा तो पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसका चेन बनती है, चेन लाइक एक तीन बनाएगा फिर एक से तीन निकलेंगे। तो इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैवी वाटर यूज़ करते हैं। तो करीबन 25,000 लीटर नॉर्मल वाटर से 1 liter हैवी वाटर बनता है, क्योंकि मैंने हैवी वाटर प्लांट में 1 महीने की मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ के बारे में पता है। विच न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेस वाटर एज ए कूलेंट, मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर। अब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो आप पावर प्लांट में पड़े हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो पानी को ही एज ए कूलेंट, एज ए मॉडरेटर, एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ करता है? तो जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होते हैं वो इन तीनों को ही एक साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्टर यूजेस हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर। हैवी वाटर मतलब जो D2O है उसको ये जो मॉडरेटर यूज़ करता है, तो कैनेडो टाइप का जो रिएक्टर है, कैनेडो टाइप बेसिकली जितने पावर प्लांट्स इंडिया में उन सब में कैनेडो टाइप के ही मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। विच पैरामीटर्स रिमेंस कॉन्स्टेंट इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब होती है तो उसमें कौन सा पैरामीटर कॉन्स्टेंट रहता है? तो होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दी थ्रॉटलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। तो आइसोट्रोपिक मतलब पढ़ने से समझ में हमको आ रहा है कि अगर मटेरियल्स सभी डायरेक्शंस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करता है तो उसको होता है आइसोट्रोपिक, जबकि एन आइसोट्रोपिक में क्या होगा कि जो मटेरियल जो होगा लेकिंग द प्रॉपर्टी आर इन आइसोट्रोपिक। जो होमोजीनियस मटेरियल अगर प्रॉपर्टीज होमोजीनियस नहीं शो कर रहा है तीनों डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अलोइंग। अगर हम लोग क्रोम और निकल मिलाते हैं SS के अंदर, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। SS के अंदर स्टेनलेस स्टील जिसे हम लोग बोलते हैं उसके अंदर हम लोग क्रोम और निकल ज़्यादा मिलाते हैं, हम सब सभी जानते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है या वो क्या प्रोवाइड करते हैं? तो निकल और क्रोम मिलाने से क्या होता है कि निकल मिलाने से तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और क्रोम मिलाने से क्या होता है उसका रेजिस्टेंस टू कोरोजन बढ़ जाता है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग क्रोम ऐड करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग निकल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, मेंशन टू टाइप्स ऑफ डिसलोकेशंस। डिसलोकेशंस या डिफेक्ट जो हम लोग बोलते हैं, कि दो टाइप की कोई डिफेक्ट बताओ। तो बेसिकली डिसलोकेशंस वो होती है जो किसी भी लेटिस की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दें, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो एटम्स होते हैं वो पीरियोडिक जमे हुए होते हैं,
अगर इसमें कोई डिसलोकेशन आ गया तो क्या होगा कि इसको कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देगी। तो अगर एज डिसलोकेशन है तो वहाँ पर क्या होता है कि वन प्लेन ऑफ एटम्स गेट स्क्विज्ड आउट, मतलब जो आपका एक प्लेन है उसके एटम्स क्या होते हैं थोड़े से स्क्वीज हो जाते हैं। और स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होता है कि एटम्स मूव फ्रॉम देयर रेगुलर आइडियल पोजिशंस। मान लो ये वाला एटम उठकर यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया, तो उनको क्या बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशंस। वट आर द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, ब्रास के प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? तो ब्रास प्रिंसिपल जो ब्रास का है वो कॉपर और जिंक है। कॉपर और जिंक से जो होता है वो आपका ब्रास बनता है। क्यूरी पॉइंट क्या होता है? अगेन क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कैन नो लॉन्गर बी मैग्नेटाइज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। उस टेम्परेचर के ऊपर हम उसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते आउटसाइड फोर्स लगाकर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वेरी हाई व्हेन दे आर इन फाइबर साइज बट लोअर व्हेन दे आर इन बार फॉर्म, व्हाई? अगर फाइबर साइज में कोई मटेरियल है तो उसका जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है मतलब उसका जो मजबूती है काफ़ी ज़्यादा है जबकि बार में इतना नहीं, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही सिंपल है कि जो क्रिस्टल जो भी इनके क्रिस्टल्स होते हैं जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है या ऑर्डर है मतलब रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है एटोम्स का। तो जो फाइबर होते हैं उनका जो है मेंटेन लाइबल है टू मेंटेन दिस एंड दस हैव अ वेरी हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। तो फाइबर्स के अंदर जो उनकी पीरियोडिक अरेंजमेंट है और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी व्यवस्थित जमी होती है, पर जैसे जैसे साइज बढ़ती है उसको हम लोग बार में चेंज करते हैं तो जो कंडीशन जो है रिपीटिंग या ऑर्डर अरेंजमेंट की है उसकी गारंटी नहीं है कि वो बढ़ने के बाद भी सेम रहें। उसमें कई सारे डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं और डिसलोकेशंस आ जाती है, इसी कारण उसकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ घट जाती है। इसी कारण जितना कॉम्प्लेक्स आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका साइज आप कॉम्प्लेक्स लाते हैं उसमें अंदर डिफेक्ट आने की संभावना है उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसका अरेंजमेंट बिगड़ने की संभावना रहती है प्लस डिफेक्ट आने की संभावनाएँ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, कि कास्ट आयरन के अंदर कार्बन का परसेंट कितना है? तो 2.5% या उससे ज़्यादा या कई बार हम लोग 2.1 भी बोलते हैं। बेसिकली आपका आयरन कार्बन डायग्राम जो होता है ये वाला, तो यहाँ पर अगर बोले परसेंटेज ऑफ कार्बन तो 2.1 से नीचे आपका स्टील होता है और 2.1 से 6.67 तक क्या होता है कास्ट आयरन होता है। तो आप 2.1 भी बोल सकते हो तो आप गलत नहीं है। विच एलिमेंट इज एडेड इन स्टील टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरोजन, तो हमने भी बात की थी अगर स्टील के अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाना है स्टील जंग ना लगे तो हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं। आप घरों में देखते हैं आपके बर्तन के अंदर जंग नहीं लगता है क्योंकि उसके अंदर क्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है इलास्टोमर इज ए पॉलीमर व्हेन इट्स परसेंटेज इलोंगेशन रेट इज, इलास्टोमर को हम तभी पॉलीमर बोलेंगे जब इट्स का जो इलोंगेशन रेट हो ग्रेटर देन 100% हो, मतलब डबल और उसकी डक्टिलिटी हो। इफ परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ मटेरियल इज मोर देन 200 इट इज कॉल्ड, अगर जो इलोंगेशन का परसेंटेज है वो 200% से भी ज़्यादा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर रबर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है वाई फैटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज एज साइज ऑफ द पार्ट इंक्रीज बियॉन्ड अराउंड 10 mm, जैसे जैसे फटिक हम लोग पार्ट्स की साइज बढ़ाते हैं उसकी फटिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ऐसा क्यों? तो बेसिकली फटिक का हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है फटिक। परफेक्शन ऑफ मटेरियल कंडीशन इज पॉसिबल एट लोअर साइजेस, अगर आपका मटेरियल की साइज छोटी है तो उसमें परफेक्शन आने की संभावनाएं ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती है उसके अंदर परफेक्शंस कम हो जाते हैं, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी कम हो जाती है, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं, उसी कारण उसकी फैटिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है क्रीप और फैटिक में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली क्रीप कोई स्टेटिक कोई लोडिंग जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग क्रीप होता है, तो क्रीप इज लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल विद टाइम अंडर ए कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एट ए हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। मान लो कोई आपकी फोर व्हीलर गाड़ी है यहाँ पर इसके टायर हैं यहाँ पर, तो मान लो गाड़ी खड़ी हुई है काफ़ी टाइम से खड़ी हुई, तो जो पूरा गाड़ी का वेट हो रहा है वो किस पर है टायर पे। तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि साल दो साल के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ये टायर आपके खराब होने लग जाए, तो उसको हम लोग क्रिप बोलेंगे। लेकिन फटिक क्या होता है जब कोई चीज़ वर्किंग में, फटिक इज़ ए रिड्यूस्ड टेंडेंस, जब कोई चीज़ वर्किंग में है और उस पर रिपीटेटिव साइक्लिक लोडिंग लग रही है, मान लो कोई बेल्ट है पुली पर चल रही है तो यहाँ पर उसको टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो रिपीटेटिव साइक्लिक फोर्स जब लगते हैं तो कुछ समय के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और वो अपनी यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही फेल हो जाता है, उसको हम लोग फटिक बोलते हैं। तो फटिक जनरली क्या होगा आपका डायनेमिक कंडीशंस के अंदर फैटिक फेलियर होता है और स्टैटिक कंडीशंस के अंदर आपका क्रिप के कारण फेल होता है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। विच थ्योरीज ऑफ फेलियर आर यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल,
थ्योरी ऑफ फेल्योर आपने पढ़ी होगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए हम कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे और ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज़ करेंगे, वो करेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिस्टोर्जन थ्योरी, वाइल फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए हम यूज़ करेंगे थ्योरी ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम स्ट्रेन आर यूज्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर यूज़ करेंगे और फिर उसके लिए अपन लोग जो उसके लिमिट्स है वो डिसाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो ये है कि विच इज़ द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रास और ब्रॉन्ज में जो कॉमन एलिमेंट है वो है कॉपर, जो दोनों में अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको ऐसा कुछ Fg250 दिया गया है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रे कास्ट आयरन इंडिकेट कर रहा है और जो ये वैल्यू है वो बताते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है हाउ इज सिरेमिक डिफाइंड, सिरेमिक को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए अभी से आपके मेटल होते हैं सिरेमिक, नॉन मेटल, पॉलीमर, तो सिरेमिक इट इज़ एक सॉलिड फॉर्म होता है, एक सॉलिड फॉर्म होता है जो कॉम्बिनेशन होता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सिरेमिक। कई बार आपको इंटरव्यू पूछता है कि एक काम करिए आप बताइए BCC, FCC, HCP एंड CCP का कोई ना कोई एग्जांपल आप दीजिए, ये सभी क्या है, सभी बॉडी की स्ट्रक्चर से अलग अलग टाइप की। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसका जो एग्जांपल है वो मोलिब्डेनियम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एग्जाम्पल आपका एल्यूमिनियम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का आपका एग्जाम्पल जिंक, और क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का जो है इसका है कॉपर। अगला क्वेश्चन आपको बनता है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन एंड डेल्टा आयरन। अल्फा आयरन और डेल्टा आयरन के अंदर जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है कार्बन का, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फेराइट और ऑस्टेनाइट रेस्पेक्टिवली। अगर आपको आयरन कार्बन डायग्राम आता है तो आप काफ़ी इजीली बता सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन जो होता है अल्फा आयरन में जो बनता है आपका कहाँ पर जनरली, इसमें यहाँ पर नीचे आयरन कार्बन डायग्राम में, डेल्टा आयरन बनता है आपका ऊपर, तो यहाँ पर आपका पूरा ऑस्टेनाइट रहता है हम जो गमा बोलते हैं, और यहाँ पर क्या रहता है फेराइट रहता है जो काफ़ी डक्टाइल रहता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन परलाइट एंड सीमेंटाइट। तो बेसिकली परलाइट क्या है, यूटेक्टोइड मिक्सचर है अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट का। जो परलाइट है वो क्या है, फेराइट और सीमेंटाइट का एक मिक्सचर है, लेकिन जो सीमेंटाइट है वो क्या है, वो केमिकल कंपाउंड है आयरन और कार्बन का। आयरन कार्बन का जो कंपाउंड है वो कौन सा है, सीमेंटाइट, और परलाइट क्या है, सीमेंटाइट और फेराइट का एक अल्टरनेटिव लेयर्स होती है। अगला क्वेश्चन आपको बनता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल डायमेंशनल। एक एग्जांपल दो आप अगर मटेरियल का डायमेंशन का, तो उसके अंदर आप रफनेस आ सकती है, फिजिकल के अंदर एंथैल्पी हम बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल टफनेस हो गई, मैकेनिकल के अंदर उसकी हार्डनेस हो गई, तो ये उसके एग्जांपल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हाउ ऑक्सीजन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टील ड्यूरिंग मेल्टिंग। जब ऑक्सीजन हम चाहते हैं हम इसे रिमूव करें, तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं स्टील से जब उसकी मेल्टिंग होती है, और कौन कौन से उसकी वाट आर फुल्ली किल्ड स्टील्स और कौन से फुल्ली किल्ड स्टील्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होते हैं अगर ट्रैप हो जाते हैं आपकी कास्टिंग के अंदर तो क्या होता है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। तो रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग एलिमेंट्स, हम अगर कुछ एलिमेंट ऐड करें स्टील के अंदर सच एज मैंगनीज, सिलिकन और एल्यूमिनियम, जो क्या होते हैं उनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो रिएक्ट करते हैं इससे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं विच रेज इनटू द स्लेक, जो स्लेक फॉर्मेशन के ऊपर वो आपके कास्टिंग के ऊपर निकल के आ जाते हैं। स्टील विच हैज हैड मोस्ट ऑफ देयर डिजोल्व ऑक्सीजन रिमूव्ड आर कॉल्ड फुली किल्ड स्टील। जो स्टील जिनके अंदर हम लोग बेसिकली उसकी सभी ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, तो उस स्टील को हम लोग बोलते हैं फुली किल्ड स्टील। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड होमोजीनियस मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स और होमोजीनियस मटेरियल में क्या डिफरेंस है, तो होमोजीनियस मटेरियल जो होते हैं तो जिसका कंपोजिशन होता है वो सेम होता है कंपोजिशन थ्रू आउट दी जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंपोजिशन होगा सेम होगा, और आइसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर क्या होगा, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो इलास्टिक कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो सब में सबके सेम रहेंगे, किसके अंदर, आइसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर, और होमोजीनियस के अंदर जो कंपोजिशन होगा वो लगभग सब में सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको बनता है कि जो डिफरेंस क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, इन्हें लोडेड बीम, जब बीम के अंदर लोड लगा होता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो। इन्फ्लेक्शन के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो लोडिंग कंडीशन के अंदर। एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज लोडेड बीम द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग।
लेकिन अगर हम कॉन्ट्रा फ्लेक्चर में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का साइन लगातार चेंज होगा अगर उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ कम होता है और बढ़ता है तो। अगला क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस में क्या डिफरेंस है? तो प्रूफ रेजिलियंस हम लोग जब बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी की, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो बात करते हैं स्टोर्ड इन द मटेरियल विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट फेल्यूर। कि आप जब आप आयरन स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व पढ़ते हैं डायग्राम, तो उसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व को देता है वो रेजिलियंस देता है, वो बताता है कि कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है वो मटेरियल आपका फेल होने से पहले। और जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है वो ये बताता है कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपको बनता है, डिफरेंस बिटवीन कोलम एंड स्ट्रट। कोलम और स्ट्रट में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली कोलम और स्ट्रट जो होते हैं बेसिकली दोनों क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोडिंग के लिए कंप्रेसिव लोडिंग बेयर करते हैं, कैरी करते हैं। लेकिन कोलम जो होता है हमेशा वर्टिकल बनता है, बट जो स्ट्रक्चर होती है जो स्ट्रट होता है एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कुड कैरी एक्सियल कंप्रेसिव लोड इन एनी डायरेक्शन। लेकिन किसी भी डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड बियर कर सकता है स्ट्रट। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फेराइट ऑस्टेनाइट एंड ग्रेफाइट। तो फेराइट बेसिकली एक सॉलिड सॉल्यूशन है कार्बन का, अदर कंस्टिट्यूएंट्स लाइक अल्फा फायरन के अंदर फेराइट जो होता है आयरन कार्बन डायग्राम में सबसे पहले बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर हम जानते हैं कि जैसे हम कार्बन ऐड करेंगे उसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जब फेराइट में तकरीबन जो आपका कार्बन होता है ओनली 0.2% होता है, तो जो फेराइट होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है और रिलेटिवली वीक होता है। ऑस्टेनाइट क्या है, जब हम लोग कार्बन सॉलिड सॉल्यूशन होता है इसके अंदर कार्बन और अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं लाइक गामा आयरन। इट एग्जिस्ट इन ऑर्डिनरी स्टील एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जब हम लोग हीट करते हैं आपके आयरन कार्बन के मिक्सचर को तो 710 डिग्री के ऊपर एक टेम्परेचर के बाद में हमको ऑस्टेनाइट मिलता है। और इट इज़ फाउंड इन टेम्परेचर हम कुछ एसएस के अंदर भी हमको मिलता है। और ग्रेफाइट जो है वो तो बेसिकली अलग ही चीज़ हो गई, ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल लेयर लैटिस। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स और मटेरियल साइंस से लिए हुए थे। आगे के दो तीन मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और इनके क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा कवर करेंगे। और दो या तीन वीडियोस के अंदर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू के अंदर लगभग उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये काफ़ी क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगा है कि यूज़फुल है, तो आप अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। प्लस अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन यूर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम लोग समय समय पर आपके लिए वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।